दोबारा एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपनी इस नई वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे जेपी नरसिंह गाइडर पर कुछ दिनों से बहुत ज्यादा शांति है, ना ही कुछ सजेशंस आपको मिल रहे हैं, ना ही कुछ आपको मोटिवेशंस मिल रहा है कि किस तरह से नॉर्थ साइड के लिए प्रिपरेशन करें। दोस्तों अपने पास अब 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, तो इन 5 से 6 दिन में क्या करना है, कैसे करना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस अपन को अटेम्प्ट करने हैं, नॉन नर्सिंग के किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। नॉन नर्सिंग क्वेश्चन दोस्तों आप बहुत सारे देख रहे होंगे यूट्यूब पे, हजारों क्वेश्चंस उन्होंने करा दिए लेकिन वो कोई औचित्य नहीं है। जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, मैं 20 से 30 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और ये मैं बहुत दावा कर रहा हूं आपको उनमें से आपको उस क्राइटेरिया से मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा मैं भाषण नहीं कराऊंगा नॉन नर्सिंग में, बाकी आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे 4 दिनों में क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है, वो बहुत सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 4 डे स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है अपनी एग्जाम को लेकर। दोस्तों जैसा कि आज 6 तारीख हो चुकी है, 4 दिन बचे हैं, उसके बाद 11 तारीख को आप सभी का एग्जाम है। आपके जो उम्मीदें थी, आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग थी और जो भी आपके अपने मन में विचार चल रहे थे, सारी विचारों का अंत होने वाला है नॉर्थ साइड के थ्रू और आप अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो। तो उसके लिए पहले तो सबसे पहले ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तो दोस्तों अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि लास्ट 4 डे स्ट्रेटजी क्या रखनी है। दोस्तों लास्ट 4 डे स्ट्रेटजी में पहला पॉइंट, मैं कुछ की पॉइंट बताऊंगा उनको अच्छे से रिमेंबर रखना कि पहला पॉइंट, ज्यादा कॉलिंग नहीं करनी है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपके वो पेरेंट टीचर्स हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि आप जितना ज्यादा इस वक्त कॉलिंग करोगे उतना ज्यादा आपके मन में चीजें कंक्लूड होंगी तो आप भ्रमित होगे, आप कंफ्यूज्ड होगे। जैसे कि कोई दोस्त आपका बोलो अरे यार मैंने तो जीके इतनी सारी पढ़ ली यार, कोई आपका दोस्त बोलेगा यार कि मैंने नर्सिंग का इतना सारा पढ़ लिया यार, मेरे से ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो फिर कहते हैं कि उसने कुछ भी एक टॉपिक बोल दिया, कोई भी एक टॉपिक वेंटिलेशन बोल दिया। अब उसने वेंटिलेशन में कोई चीज ऐसे बोल दिया यार कि मुझे ना वॉल्यूम से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, या फिर कोई भी जैसे कि इसके जो रेशियोज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो रहा, सीपीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो रहा, बाईपेप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो उसने सीपीएफ बाईपेप टर्मिनोलॉजी यूज कर दी, तो आपके मन में ना वो चीजें मतलब घूमने लग जाएंगी, राउंड अप करने लग जाएंगी, अरे यार सीपीएफ में मैंने क्या पढ़ा था, अरे यार बाईपेप में मैंने क्या पढ़ा था, बाईपेप को किसके लिए यूज करते हैं, एडिमक के पल्मोनरी एडिमक के लिए यूज करते हैं नहीं करते, यार अपन सीओपीडी के लिए यूज करते हैं नहीं करते, सीपीएफ किसके लिए यूज करते हैं, और फिर आपके मन में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे, अरे यार ये मुझसे नहीं आता यार, 4 दिन बचे हैं यार कैसे करूंगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा अपने लिए डिमोटिवेटिंग फैक्टर रहता है, तो याद रखना ऐसे किसी भी दोस्तों से बात नहीं करनी, ना ही इतने बहुत ज्यादा टीचर्स से बात करनी है, सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस्ड रखना है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसा कि बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि यार नर्सिंग पढ़ लिया यार ठीक है ना, अब अपन है ना नॉन नर्सिंग में यार रीजनिंग मैथ नहीं आती, चलो जीके पढ़ लेते हैं। बहुत सारी दोस्तों जीके का कोई अंत नहीं है, और मैं आपको बता दूं 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं जीके के और बहुत करंट अफेयर्स आती है, बिल्कुल करंट अफेयर्स, और जिसमें वन लाइनर कि जो रिसेंटली 4-5 महीनों में जो भी कुछ हुआ है ना रिसेंटली वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन में और रिसेंटली कुछ भी हुआ है, तो बस थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना है, अगर आपके पास वक्त है और आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो, सिर्फ आप उसी चीज पे फोकस करें, बाकी जीके के लिए घुसना नहीं है। मैथ रीजनिंग में बहुत ज्यादा नहीं घुसना है, मैं उसे क्वेश्चंस करा दूंगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक थोड़ी बता दूंगा मैं, अगर आपको लगता है कि शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा उसके रिलेटेड, तो आप टेंशन ना लें उस चीज के लिए। अब आता है तीसरा पॉइंट कि क्या स्ट्रेटजी, चाहे 4 दिनों में दोस्तों कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, याद रख लेना कुछ भी नया, एक शब्द भी नया नहीं पढ़ना है। हाँ ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कुछ करना है तो आप इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है, टारगेट हाई में दिए हुए क्वेश्चन है, कुछ आप अगर जैसे एनक्लेक्स की बुक खोलोगे तो एनक्लेक्स बुक में इमेजेस बनी हुई है, वो इमेजेस आपस उन इमेज डीसी दत्ता की इमेजेस हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हो, पीडीएफ में जो इमेजेस हैं वो इमेजेस देख सकते हो, रिफ्लेक्सेस की इमेजेस आती हैं कई बार वो इमेजेस आप देख सकते हो, फंडामेंटली कुछ इमेजेस हैं वो आप देख सकते हो। तो सिर्फ अगर कुछ नया अगर आपको देखना है तो सिर्फ इमेजेस दोस्तों, थ्योरी पोर्शन में कुछ भी नया नहीं देखना है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी कि यार आईसीयू से रिलेटेड क्वेश्चंस, ओटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, अरे यार एनएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन, दोस्तों नहीं पढ़ना है यार, नहीं पढ़ना है, पढ़ लिया आपने जितना आपको पढ़ना था, आप जितना ज्यादा इस वक्त नया पढ़ोगे आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होंगी, आपने जो चीज पढ़ ली क्योंकि यूट्यूबर्स पर कोई चीज किस तरह से पढ़ा रहा है, कोई किसी चीज को किस तरह से पढ़ा रहा है, तो किसी का कोई फिक्स नहीं है क्राइटेरिया यार, कुछ भी कोई किसी चीज को, जैसे कि आप आयरन है, आयरन आप लोग पढ़ते हो कि यार आयरन को हमेशा या तो पहले लेते हैं या फिर मीलिंग टाइम पे लेते हैं, बाद में कभी नहीं लेते, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट पता क्या बताते हैं कि आयरन को अपन खाने के बाद लेते हैं,
अब जिसने बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट को फॉलो किया होगा तो उनको पता होगा कौन सा इंस्टीट्यूट ये वाली चीजें बताता है यूट्यूब पर, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम मिलूंगा। तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं दोस्तों, कितनी मिस्टेक्स बताऊंगा मैं कोचिंग्स को लेके। तो सब अपनी जगह ठीक है जो जिस तरह से पढ़ा रहा है, बस नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ लिया उसको बहुत अच्छे से रखना है। फिफ्थ पॉइंट, आपको सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ने हैं जो आपने इतने टाइम में पढ़ा था उसके अंदर। जैसे आपको पता है कि आप किस जगह किस चीज पे अटकते हो, फंडामेंटल आप पढ़ रहे हो, फंडामेंटल में आपको पता है यार रीनल बायोप्सी पे मैं थोड़ा सा अटकता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लू यार, बोन मैरो बायोप्सी में मुझे बच्चों का एरिया नहीं, बच्चों का रीजन नहीं पता और मुझे अडल्ट का रीजन नहीं पता, थोड़ा सा अटकता हूँ मैं तो उसको थोड़ा सा देख सकता हूँ। ट्रेकियोस्टोमी है यार, ट्रेकियोस्टोमी में मैं डीकैंडेशन के बारे में नहीं जानता, ट्रेकियोस्टोमी किस तरह से करते हैं, क्या पोजीशन रखते हैं यार, थोड़ा सा मैं उसमें कंफ्यूज होता हूँ तो उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। जैसे कि अपना ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है यार मुझे नहीं पता कि किस तरह से, मतलब कि कौन सा इफेक्ट लगता है, किस तरह का डायमीटर्स होता है, बियरिंग डाउन लगता है या फिर बियरिंग अप लगता है, वाल सर्वो मैनुअल लगता है नहीं लगता, तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ कौन सी जेल यूज करते हैं, केवाई जेल यूज करते हैं या नहीं करते हैं, क्या नया इसमें अंतर चेंज हुआ। बस जैसे कि जिस चीज में जो आप अटकते हो आपको लगता है बस वही चीजें देखनी है, पूरी थ्योरी में नहीं घुसना है, अपने पास वक्त नहीं है। और बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल चिल रहना है, बिल्कुल नो हेडेक नो टेंशन बिंदास, ये मेरा दावा है। अगर आप ये पांचों पॉइंट फॉलो करोगे तो आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली सक्सेस रहोगे। तो दोस्तों ये की पॉइंट्स, पांच की पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, साझा किए हैं, तो आशा करता हूँ आप इन सभी की पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे, फॉलो करोगे, इन पांच दिनों में कन्फ्यूज नहीं रहोगे। बाकी एग्जाम होते ही हम आपको मिलेंगे यहीं पर आपके पेपर की क्वेरी सॉल्व करते हुए। बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।